दोस्तों, क्या आपने चुड़ैल देखी है? नहीं नहीं मैं टीवी सीरियल या किसी मूवी या कोई फेसबुक पोस्ट को देखने के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। एज एन फेस टू फेस किसी चुड़ैल को देखा है? यार आपको तो पता नहीं, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन हाँ, इसके बारे में मैंने बहुत सुना है, जैसे बड़े बुजुर्गों से कहानियाँ सुनी हैं और नेट पर भी काफ़ी ब्लॉग्स पड़े हैं जिसको पढ़कर मन रोमांचित हो जाता है। बिल्कुल आपको भी ऐसा ही महसूस होता होगा। यह एक फैंटेसी या कोई रियलिटी है, ये तो आप पर निर्भर करता है कि आप सोच किस तरह रहे हो। अगर आप मुझसे ये पूछे तो मैं तो बस फैक्ट्स और रिसर्च पर यकीन रखता हूँ। खैर दोस्तों, आज हम चुड़ैल के बारे में इन्हीं कुछ फैक्ट्स और रिसर्च के बारे में जानेंगे। पर उससे पहले, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और पास रखे बेल आइकन को ज़रूर दबाएगा, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। चुड़ैल शब्द एशियाई देशों में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनमें मुख्य रूप से इसे यूज़ किया जाता है। सन 1300 से चुड़ैल के स्वरूप को अनेक ग्रंथ और संस्कृतियों में पाया गया है। इनमें चुड़ैल को द गोस्ट ऑफ अनप्यूरिफाइड लिविंग थिंग कहा गया है। माना जाता है कि कोई स्त्री अगर गर्भधारणा या गर्भावस्था में अगर अपने ससुराल द्वारा उत्पीड़न के दौरान मृत्यु पाए तो वह चुड़ैल बनती है और बाद में उनसे बदला लेती है। इसके और भी कई वजह है, लेकिन यह मुख्य वजह होती है। दूसरी बात, चुड़ैल पैदा हो सकती है। अगर उसके माँ के अंदर शक्ति या बच्चे में परावर्तित हो जाए तो एक चुड़ैल जन्म लेती है। सामान्य भूतों में और चुड़ैल में फर्क होता है। जैसे सामान्य भूत कम शक्तिशाली होते हैं, बजाय कि एक चुड़ैल हमारे दुनिया में उनसे कई ज़्यादा प्रभाव डाल सकती है। एक सामान्य आत्मा की शक्तियाँ सीमित होती है, इसलिए हमारी दुनिया में वह ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाते और इसलिए ही भूतों को देखने के प्रमाण ज़्यादा होते हैं, बजाय कि आप चुड़ैल देखने की घटनाएं कम ही सामने आती है, क्योंकि सामान्य आत्मा अपनी शक्तियाँ नियंत्रित नहीं कर सकती है। उसके विपरीत एक चुड़ैल अपने आसपास वातावरण को तक नियंत्रित कर सकती है, जैसे अचानक बारिश होना, कोई जगह का तापमान अचानक से कम कर देना। एक चुड़ैल कैसे दिखती है, इस पर कई सारे दावे किए जाते हैं और उनमें से ही कुछ एक जैसे वर्णन यह है कि उनके पैर उल्टे होते हैं, उनके बड़े बड़े हाथ के नाखून होते हैं और उनका चेहरा काफ़ी डरावना होता है। अगर आप किसी चुड़ैल को उसके असली रूप में देख लो तो आपकी जान तक जा सकती है, या कम से कम बेहोश तो पक्का ही हो जाओगे। कुछ इस तरह उनका रियल चेहरा होता है। मैंने रियल इसलिए कहा क्योंकि चुड़ैल ज़्यादातर अपने दूसरे रूप में ही होती है, जो काफ़ी सुंदर और मन को मोह लेने वाला सौंदर्य होता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चुड़ैल अपना शिकार आदमियों को कम और औरतों को ज़्यादा बनाती है। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि यह प्रोसेस किसी चेन मार्केटिंग की तरह होती है, जिसमें कोई चुड़ैल किसी औरत को चेतन के अनुयायी बनने में मदद करती है, फिर वही औरत दूसरी औरत को अपनी टीम में लेती है। असल में वह चुड़ैल नहीं बनती है, बल्कि बस शैतान की सेवक बन जाती है, जिससे वह इस दुनिया में बुराई करके शैतान की ताकत को और मजबूत कर सके। सेम एज जैसे हम भगवान को पूछते हैं, चुड़ैल नौजवान लड़कों पर इसलिए अटैक करती है क्योंकि उनका खून पीकर वह बहुत समय तक जवान रह सकती है, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करती है तो उनका असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। ये ज़्यादातर लिफ्ट मांगने के बहाने हवे पर या किसी छोटी बच्ची के रूप में आदमियों को किसी सुनसान जगह पर ले जाकर उनको मार देती है। बहुत सारे चुड़ैल हम इंसानों के बीच में ही रहती है, जिससे उनको शिकार करने में आसानी होती है। पर जैसे जैसे उनकी शक्तियाँ कम पड़ने लगती है, उसके लिए वह घने जंगल में या किसी सुनसान झोपड़ी में रहना पसंद करती है। इससे एक बेहतरीन असल घटना पर एक मूवी मुझे याद आती है, काफ़ी अच्छी मूवीज़ में से यह एक है। उस मूवी का नाम है द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट। यह फिल्म एक असल घटना पर आधारित है और इस फिल्म में यह खास बात है कि इसमें ओरिजिनल फुटेज इस्तेमाल की गई है। इसकी कहानी में आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ। 3 कॉलेज स्टूडेंट थे जो अपने कॉलेज को प्रोजेक्ट के लिए एक ब्लेयर विच यानी चुड़ैल की डॉक्यूमेंट्री बनाने जाते हैं। ब्लेयर नाम के चुड़ैल ने हाल ही में कुछ सालों में बहुत अजीब अजीब घटनाओं को अंजाम दिया था, जिससे उसी शहर के 7 छोटे बच्चों को एक साथ उस चुड़ैल ने जंगल में ले जाकर मार दिया था, और इसी पर डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए ये तीनों वहाँ पर जाते हैं।
जंगल में शूट करते करते तीनों खो जाते हैं। और इसके बाद जैसे ही उस जंगल में रात होती है तो उनके साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगती है। उस जंगल में वह भटक जाते हैं और ऐसे ही एक रात को उनका एक दोस्त गायब हो जाता है और दूसरे दिन एक पुड़िया में उसके दांत और जीभ काटी हुई उनको मिलती है। इसके बाद उसी रात को उन दोनों को उस खोए हुए दोस्त की आवाज़ आती है और उसे ढूंढते ढूंढते उनको एक घर मिलता है जहाँ पर उन दोनों पर किसी अज्ञात चीज़ से हमला होता है और बाद में वह टेप वैसे ही चालू रह जाता है। बाद में कई साल बाद एक चैम्बर के नीचे पुलिस को वह कैमरा टेप से भरी हुई बैग मिलती है। पुलिस आज तक वह गुत्थी सुलझा नहीं पाए कि वह बैग इतनी अंदर चैम्बर के नीचे कैसे गई और ना ही उन तीन स्टूडेंट का कोई वजूद उस जंगल में मिल पाया। बताने का तात्पर्य यही कि यह सिर्फ एशियाई देशों में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। बाहरी देशों में इसे विच क्राफ्ट या विचरी करके बुलाया जाता है। इसमें भी विच मतलब चुड़ैल को एक बुरी आत्माओं से कांटेक्ट करने वाली काला जादू करने वाली औरत के नाम से जाना जाता है। पाश्चिमात्य देशों में काफ़ी पुराने समय से चुड़ैल और उसके प्रभाव को कई पेंटिंग्स में, ग्रंथों में, काव्यों में देखा जा सकता है। इसका हर धर्म में, हर देश में एक अपनी अलग ही पहचान है। चुड़ैल को हमेशा से ही बुरा दिखाया गया ऐसा नहीं है। सन 1584 के एक लेख में व्हाइट विचेस का जिक्र किया गया है। जैसे कि आप सोच रहे हैं, व्हाइट कलर हमेशा से ही शांत और अच्छाई के प्रतीक माना जाता है। बिल्कुल वैसे ही व्हाइट विचेस मतलब अच्छी चुड़ैल भी होती है जिसमें वह लोगों की मदद करती है। इससे ही जुड़ी एक घटना मैं आपको बताता हूँ। बीडी अर्ली कॉटेज नामक यह घर आयरलैंड के काउंटी क्लेयर शहर में स्थित है। यहाँ पर रहने वाली एक बुजुर्ग महिला को चुड़ैल माना जाता था, लेकिन वह चुड़ैल बुरी नहीं थी। लोग उसे व्हाइट विच मानते थे क्योंकि वह लोगों का इलाज करती थी। लोगों का मानना था कि वह परलोक से संबंध रखती थी और वह उनसे ही लोगों को ठीक करने के उपाय सीखती थी। उसके पास एक कांच की बोतल थी जिसमें वह उन शक्तियों से बातें किया करती थी। कुछ समय बाद वह मर गई, लेकिन अब भी उस झोपड़ी में लोग जाया करते हैं। उस झोपड़ी में लोग पैसे पत्थर छोड़कर उस चुड़ैल से मन्नत मांगते हैं। इंडिया में भी अच्छी चुड़ैल होने का दावा किया जाता है, लेकिन अच्छी चुड़ैल दिखने की घटना यहाँ पर 100 में से केवल एक बार देखने को ही मिलती है। चुड़ैलों को देखने का दावा बहुत लोगों ने किया है, लेकिन बस कुछ ही लोगों के पास उनके सबूत होते हैं, जैसे कि वह जो बोल रहे हैं वह सच है। अभी कुछ घटनाएं ऐसे देखेंगे जिसने पूरे इंटरनेट को हिला कर रख दिया था। इससे जुड़ी एक घटना जिसमें 55 वर्षीय रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर ब्रिटेन के एक सबसे डरावने घरों में से एक द केज में गए हुए थे, जहां पर उन्होंने उसी घर के पीछे हुड पहने हुआ साया जो स्ट्रेचर ले जा रहा था और उसके पीछे दो और साये थे इसकी फोटो खींचने का दावा किया था। द केज नामक यह इमारत इंग्लैंड के काउंट एक्सेस के सेंट ओसित गांव में स्थित है। यहां पर एलिजाबेथ के ज़माने में जादू टोने वाले कैदियों को रखा जाता था। ऑफिसर ने जैसे कहा कि वह आधी रात तक इमारत में थे, जिसके बाद वह वहां से कॉफी न्यायालय की तरफ चले गए। उसी इमारत में जब उन जादू टोने वाले औरतों को कैद किया जाता था तब कभी कभी उनकी मौत वहीं पर हो जाती थी। तब उनकी लाशों को उसी कॉफी न्यायालय रास्ते से इमारत के बाहर लाया जाता था। ऑफिसर जब उस इमारत से बाहर आए तब उन्होंने उसी रास्ते जाते हुए कुछ तस्वीरें खींची, क्योंकि उन्होंने उस रास्ते के बारे में बहुत कुछ सुना था। जब उन्होंने तस्वीरें खींची तो उसमें कुछ आकृति उन्होंने देखी, लेकिन उन्हें लगा कि कैमरे में कोई गड़बड़ी हुई होगी। लेकिन जब उन्होंने वह तस्वीर घर पर चेक की तब उन्हें शॉक लगा। तस्वीर में साफ साफ एक हुडी पहने हुआ साया एक कॉफिन को ले जा रहा था। उनके कपड़े एलिजाबेथ के ज़माने के लग रहे थे। साथ में दो साये भी थे जिन्होंने गाँव वालों की तरह कपड़े पहने हुए थे। उस इमारत में काला जादू करने वाली औरतों को बंदी बनाकर रखते थे और वहीं पर कई बार चुड़ैलों द्वारा लोगों को परेशान किए जाने की घटनाएं भी हुई है। अभी उस इमारत में एक लेखक रहते हैं जिनका नाम मिक्की रोलिंग्स है। वह एक सुपरनेचुरल चीज़ों पर बन रही डॉक्यूमेंट्री पर काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि वह धार्मिक इंसान नहीं है, पर वह खुद की सुरक्षा के लिए हर रात क्रॉस पकड़कर सोते हैं और हर रात अजीबोगरीब आवाज़ें उनको रात भर जगाए रखती है। भारत में भी चुड़ैल देखने के दावे किए जाते हैं, जिसमें कानपुर शहर में कई बार चुड़ैलों को देखा गया है। अभी कुछ ही साल पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक चुड़ैल गाड़ी का पीछा करते हुए देखा गया था। इंटरनेट पर इसकी काफ़ी चर्चा हुई थी। वहाँ के लोगों की माने तो वहाँ पर कई बार रात में अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। कईयों ने एक महिला को जंगल में रोते हुए देखा गया है।
कसम भाग। गंगा बैराज निवासी राम मल्ला ने बताया कि करीब 9 साल पहले एक महिला ने गंगा नदी में सुसाइड की थी। बाद में पुलिस और गोताखोरों ने काफ़ी दिनों तक शव की तलाश की, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। बाद में दीपावली के अवसर पर कुछ महिलाएं दीप जलाने गंगा नदी पर गई, तभी उन्हें एक सफ़ेद साड़ी पहने हुए एक महिला दिखी। बाद में गाँव वालों ने उसे पकड़कर एक तांत्रिक के पास ले गए, लेकिन उस महिला को वह ज़्यादा देर तक पकड़ नहीं पाए। उसके बाद गंगा बैराज में लोगों की मौत होने की संख्या में गजब का इजाफा हुआ। यही नहीं, वह जगह सुसाइड पॉइंट के नाम से भी जानी जाने लगी। जिसके बाद 2012 में वहां पर पुलिस ने बंदोबस्त बढ़ाया, जिसपे वहां पर सुसाइड की संख्या कम हुई। लेकिन पिछले 8 सालों में गंगा स्नान करने जाने वालों की डूबकर मौत होने की संख्या बढ़ गई। ऐसे ही पाकिस्तान के हैदराबाद में भी एक सिंगर जिसका नाम फाकिर महमूद है, उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर एक फ़ोटो डाली थी जिसमें एक सफ़ेद कपड़े पहने हुए औरत घर के ऊपर बैठी हुई थी। लेकिन आज भी इस तस्वीर का सही से जवाब नहीं मिल पाया है। ऐसी कई सारी घटनाएं आपने सुनी होगी, लेकिन सभी घटनाओं में से कुछ ही घटनाएं रियल होती है। काफ़ी पुराने समय से लड़की और औरतों को चुड़ैल बोलकर या समझकर मार दिया जाता था। राजा किंग जेम्स वेरिजन द्वारा विच नाम का उपयोग हुआ था, जिसने कई औरतों को एक साथ जिंदा जला दिया था। सन 1587 में उसे शक था कि ये सभी औरतें चुड़ैल थी, इसलिए सन 1300 से 1500 के शताब्दी में चर्च द्वारा कई सारे चुड़ैल और जादूगरनियों को काफ़ी बुरी से बुरी सजाएं सुनाई गई। चर्च में बैठे हुए धर्म क्रांतियों की माने तो यह महिलाएं पुरुषों के लिए घातक थी। अपने काला जादू से वह समाज में बुराई फैलाती थी। उनका मानना था कि यह औरतें शैतान के साथ संभोग करती हैं। सन 1800 के अंत तक ऐसी घटनाओं को लोग काफ़ी उत्साह के साथ, किसी भी निर्दोष औरतों को काफ़ी उत्पीड़न के साथ या तो मार देते थे या गांव से बाहर निकाल देते थे। सन 1487 से 99 के बीच में हजारों में ऐसी महिलाओं को टॉर्चर करके मारा गया। ऐसा उस वक्त के राजा द्वारा किया गया था। बात की जाए इंडिया के, तो अब भी कुछ गांवों में ऐसी चीज़ें की जाती है। हालांकि हमारे संविधान में इसके लिए काफ़ी ठोस कानून बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ अंधविश्वासी लोग ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि काफ़ी गलत है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली बार अगले नए किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए।